बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। आज की नई वीडियो एक ऐसी वीडियो जो आपने अपनी लाइफ में ऐसा जो खत है उसके ऐसे अल्फाज नहीं सुने होंगे। ये FBR के मुलाजमीन की जानिब से वज़ीर आज़म को ख़त लिखा गया है जिसमें डायरेक्ट कहा गया कि अगर तनख्वाह नहीं बढ़ानी तो हमें करप्शन करने की इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि उनके घरेलू अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि इस तनख्वाह में और महंगाई के दौर में उनको पूरा नहीं कर सकते। तो अगर तनख्वाह नहीं बढ़ानी तो करप्शन करने की इजाज़त दी जाए। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं वीडियो की डिटेल की जाने। ये देखें, ब्रेकिंग न्यूज़ है, तनख्वाह नहीं बढ़ानी तो करप्शन करने की इजाज़त दी जाए, मुलाजमीन का वज़ीर आज़म को खत। FBR इन लैंड रेवेन्यू मुलाजमीन का वज़ीर आज़म को खत, करप्शन करने के लिए इजाज़त मांग ली। महंगाई के बायस घरेलू अखराजात तनख्वाह से पूरे नहीं हो रहे। ये मुलाजमीन का कहना है कि जितनी महंगाई है उससे जो हमारी तनख्वाह है वो बिल्कुल कम है, और इसमें जो हमारा हाउस रेंट है वो 50,000 रुपये है, और इसके अलावा बिजली का बिल है, गैस का बिल है, घर के जो खाने पकाने की अशिया के बिल हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि हमारी जो तनख्वाह है वो बहुत कम है, और मुलाजमीन के घरेलू अखराजात 1,10,500 रुपये जबकि तनख्वाह कम है। और इसमें यह भी कहना है कि हमारी इस तनख्वाह में ये जो जितनी भी तनख्वाह मिल रही है उससे 78,000 रुपया कर्जा है मुलाजमीन पे, और इनके जो वालिद हैं वो इनकी सफ़ेद पोशी को देखते हुए इनको हर मंथ कोई ना कोई या कुछ ना कुछ अमाउंट दे देते हैं जिनसे इनका घर चलता है। तो इस वजह से इस महंगाई से तंग आकर और कम तनख्वाह से तंग आकर उन्होंने ये लेटर वज़ीर आज़म के नाम लिखा कि जिसमें उन्होंने करप्शन की इजाज़त मांग ली है। इसमें दो ऑप्शन रखे हैं कि या तो तनख्वाह बढ़ा दें और या फिर करप्शन करने की इजाज़त दें। और उन्होंने ये भी लिखा कि हमने अपने सर्विस में 1 रुपया भी करप्शन नहीं की, उसमें हलफ दिया है कि 1 रुपया भी करप्शन नहीं की गई। तो जब हम करप्शन नहीं करते तो हमारी तनख्वाह इतनी बढ़ाई जाए कि हम कुछ सेविंग भी कर सकें, अगर सेविंग ना भी हो तो कम अज़ कम घर के अखराजात पूरे कर सकें और कर्ज ना लेना पड़े। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट्स। आपकी क्या राय है इस बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।